एन हरियाणा देख रहे दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम पहुंचे हुए गांव खरेटी में, जिला जींद का गांव है ये। आप साफ देख सकते हैं मेरे सामने जो ये काल पड़ी थी किसान भाई की, काल चढ़ गई है भाई। लगभग कहते हैं भाई 600 एकड़ की यहाँ पर पराल पड़ी थी और 300 एकड़ की पराल जलकर राख होगी। और जो किसान है परेशान है, 2 एकड़ की खेती करता है किसान, पूरी उम्र की पूंजी इसने लगाई थी पराल इकट्ठी करके शानी बना के बेच कर 2 पीछे कमा के गुजारा कर लेंगे। और वो भाई साहब देख सको नज़ारा, पराल जलकर राख हो रही है और गांव के व्यक्ति भी यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। इसमें जो ग्रामीण इकट्ठा है उससे ही बात करेंगे और जो इस भाई की पराल चली है, गरीब किसान है गाँव का, उससे बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। ये बात भाई साहब बहुत माड़ा मन कर रखा है, क्या वजह है, क्या हो गया ऐसा? पराल जल गई जी। पराल कितने किला ही जड़ी भाई साहब? 300 किला ही जड़ी। तो कितना नुकसान है, कितने रुपये हम खरीदी थी आपने? नुकसान 5000 रुपये किले का। 5000 रुपये एक किले खरीदी थी, तो 300 किला की आपने खरीद रखी। देख लो भाई 5000 रुपया की 1 एकड़ की ने पराल खरीदी थी। वो सारी जड़की वजह क्या रही जलने की, क्या कांड रहा? स्पार्किंग हो गई, बोर्ड पर स्पार्किंग हो नीचे गिरी है जब आग लगी है। तो मतलब प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया कि आपने देखी थी खुद? नहीं जी, गांव वाले ने बताया। गांव वाले ने बताया। तो कितने दिन तक आप यो काम कर रहे हो, जो पराला काम कर रहे हो? काम कर रहा हूं जो मैं 2015 थे। तो अब की बार पहली बार आपको यो नुकसान हुआ? यह घटना घट गई तो बहुत भारी नुकसान है। और भी किसी की जड़ी है? आपकी जड़ी है? 20-30 किलो बाकी नुकसान आपको ज्यादा है भाई। देख लो किसान दुखी है अंतरमन से, और गांव वाले ग्रामीण यहाँ इकट्ठा इनसे पूछेंगे। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। पराल बहुत ज़्यादा जड़ी है, नुकसान गांव के किसान का हुआ था, क्या कहेंगे भाई? हम तो नुकसान सरकार इससे मदद दे दी जी, भाई की आर्थिक सहायता दे दे। गरीब आदमी, गरीब आदमी है गाँव का, छोटा किसान, छोटा किसान 2 एकड़ का है, 2 एकड़ का किसान है। तो ये जो पराल जड़ी है तो किसी शरारती तत्व का हाथ लगता है? बिजली के ना, बिजली का जब लाइन चालू थी जी, उस टाइम थे जब आग लग गई, लाइन चालू थी स्पार्किंग बनाया उड़ा बम्पर पे स्पार्किंग बनकर जब पड़ी है, जब चिंगारी से जला। क्या नाम आपका? रमेश कुमार। ये देखिए भाई गाँव खरेटी गई रमेश कुमार थे, कुछ और है किसान यहाँ पे। ये फसल जल गई, जो चारा इकट्ठा कर रखा था इन्हें, पराल जल गई, तो क्या कहेंगे? नुकसान है, इसको मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, गरीब आदमी है। गरीब आदमी, हाँ बिल्कुल। वही देख लो किसी से पूछ रहे थे, वही कह रहा है कि गरीब आदमी है भाई। कैमरामैन को थोड़ा आ जा भाई। में तो भाई साहब देखो अब तक जल रही है जो पराल इकट्ठी कर रखी थी किसान ने, तो दुख तो बहुत ज्यादा, हर किसी को दुख है, हर कोई ग्रामीण यहाँ बार बार आ रहा है, देख रहा है कि दुख की घड़ी है। तो क्या कहेंगे भाई? बहुत ज्यादा नुकसान होया इसमें, समस्या तो सारा गांव में होगी जिसकी सारा गांव बच गया इसके ऊपर। फिर फायर ब्रिगेड आई है, लेकिन अभी भी 2-3 दिन तो इसकी रुखाड़ है। तसली तो दूसरे इसकी बराबर में जो पराली, इसकी भी तसली नहीं है, जड़ाई कहीं होगा तो अभी भी प्रशासन जाए, 2 मशीन भेज जाए इसको और ठंडा हो जाए भैया बुझाने के लिए। प्रशासन से मशीनरी की मांग करो, आनी चाहिए, आनी चाहिए दो फायर ब्रिगेड गाड़ी। ये तो अभी भी चल रही है, हमने भी ज्यादा इसका तो इसका दिन रात कैसे यहाँ बैठे रहोगे आदमी? तो ये किस टाइम लगी थी कल आज? ये कल 3:30 के आसपास लाइट चालू थी और ऊपर से कोई चिंगारी गिरी है, फिर गांव की बाजर पड़ गई। इस भाई को बुला, ये मंडी में जा रहा था लेकिन बहुत परेशान होकर गांव में वैसे भी लग रहे थे यहाँ तमाम है पास में, जैसी मदद हुई वैसी करी है। 2 एकड़ का ये जमींदार है, इसको कुछ प्रशासन के में देवे, ये भी बहुत परेशान है। क्या नाम आपका? अजमेर नाम है भाई मेरा। भाई खरेटी गांव के अजमेर के एक और हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस बारे में भाई। जी नमस्कार जी। नमस्कार, मैं सुदर्शन सिंह यादव फ्रॉम खरेटी जी। यस्टरडे आई केम टू माई सर। थोड़ा मास्क नीचे कर लिया, आवाज़ आपकी कम आ रही है, थोड़ा मास्क नीचे कर लो, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर कोरोना। यस्टरडे आई केम टू माई विलेज एंड आई सी द ये दैट इज द फायर सिस्टम एंड आई कजन टू टेल मी कि सम पीपल आर देयर बिकॉज यहाँ पे मैं कुछ मैं रोता रहता हूँ। अदरवाइज ये नुकसान तो हुआ है जिस आदमी ने माल लिया है, 3000-5000 में ये माल लेते हैं, अदरवाइज ये गलत है कि भाई नुकसान तो इतना नुकसान है कि बचाव भी ग्रामीणों ने किया है और मुझे ये सुनकर और देखकर बड़ा दुख है कि मैं इस गांव से बिलोंग करता हूं।
और इस बात में भाई अगर कोई गवर्नमेंट मदद करती है तो दैट इज़ बेटर, अदरवाइज अब गांव वाले क्या करेंगे भाई, आपस में हेल्प करेंगे नहीं होगा, मुश्किल है जी जी। लेकिन इस एक किसान को तो नुकसान हुआ हुआ है, तो ये गवर्नमेंट से आई अपील टू माय गवर्नमेंट दे शुड माय हेल्प, अदरवाइज वी आर नॉट हेल्प, तो सो दैट कितने एकड़ की है, 250 एकड़ की। मैं भी किसान हूँ लेकिन मैं खुद खेती नहीं करता हूँ। क्या अपील करेंगे सरकार से आप हमारे माध्यम से? हम इनसे मांग करेंगे गरीब आदमियों को मिलना चाहिए। देखिए भाई, हर किसी ग्रामीण से बात की जाए तो यही कहा जा रहा है कि भाई कुछ और ग्रामीण है, युवा ग्रामीण भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बहुत सारे ग्रामीण हैं, इनसे बात करेंगे, एक और साथी यहाँ पर पहुंच चुके हैं युवा साथी, उनसे भी बात करेंगे। लाखों रुपए की पूंजी थी वो जलकर राख हो चुकी है, इस मामले देख पा रहे हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से अभी जल रही है, और गाँव वालों द्वारा अपील भी की जा रही है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आनी चाहिए आपको बुझाने के लिए, तो क्या कहेंगे? फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेजी गई होगी सरकार की, दवा आई थी तो अब भी जैसे ग्रामीण मांग कर रहे हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी चाहिए, प्राण जल सकती है, बहुत तेज हवा चल रही है, तो क्या कहेंगे आप? कहना तो जी यही है, जैसे आप सरकार से मांग कर रहे हो तो सरकार को ये दौर बच रही है, इसका नुकसान नहीं होगा, ये बच ही रहा जी जी। और जो अपना ये लग गई है, जो ये नुकसान हो रहा है ये तो हो लिया, अब ये ग्रामीणों के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे सरकार से, जो इसका मुआवजा होगा, जो मुआवजा मिल सकता होगा वो मुआवजा भी दिलवाने की कोशिश करेंगे हम। हमारे माननीय सांसद रमेश चंद्र जी कोशिश से बात हुई थी आज हमारी, इस विषय में हमने बताया था मगर ऐसे ऐसे सर ये गांव में ये दिक्कत होती है, तो साहब ने ये कहा था जैसे आप एक बार देख वो जाना देख के आना तो कैसे क्या है, और जो होगा इसका जो एक उचित वो होगा जो मांगे होगा वो मुआवजा होगा जो राशि होगी तो वो जरूर किसान को जरूर मिलेगी। क्या नाम आपका? विनोद शर्मा नाम है। ये देखिए विनोद शर्मा जी रहे भाई, यहाँ पर देख सकते हैं भाई तस्वीरों के माध्यम से, मैं आपको दिखा भी दूँ, यहाँ पर अभी ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, जो ग्रामीण हैं यहाँ पर साफ देखे जा सकते हैं, इस समय भी गाँव के ग्रामीण लगातार कल से ही यहाँ पर आ रहे हैं भाई, देख लो ग्रामीणों का ताता लगा हुआ है, और जो ये पराल है अब भी इसके अंदर आग जल रही है, और ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि बार बार भाई भाई फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की जरूरत अब भी है, क्योंकि आग दूसरी तरफ रखी पराल में भी पहुंच सकती है, तो इसी तरह की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए डीएन हरियाणा के साथ। डीएन हरियाणा के लिए मैं दिनेश जुलानिया गाँव खरेटी से।